मेरा नाम मनोज कुमार है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस डिवाइस को बायोमेट्रिक को सी वी प्लस का मॉडल है कैसे उसको कन्फिगर करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मॉडल बताता हूँ। ये आपका मॉडल है, इसी में आपका यहाँ पर अगर 3.0 होगा तो सेम कन्फिगरेशन होगा F3043। सबसे पहले हम आते हैं मेन्यू में। मेन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको सेटकॉम में जाना है। सेटकॉम में जाने के बाद आप इथरनेट ऑप्शन पे जाएंगे। इथरनेट ऑप्शन अगर DHCP यस है तो उसको नो कीजिएगा, तभी आपको IP एड्रेस का दिखने का ऑप्शन आएगा, अदरवाइज़ आपको IP एड्रेस नहीं दिखेगा। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी DHCP नो कर दिया है तो ये ठीक है। अब ये मुझे IP एड्रेस दिख रहा है। अकॉर्डिंग टू योर नेटवर्क, जो आपका नेटवर्क है उसके अकॉर्डिंग आपको IP एड्रेस यहाँ पर इंसर्ट करना है। ठीक है, इसको ऑप्शन करेंगे, ओके कीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको सबनेट मास्क आपको ओके कीजिएगा तो ये आपको दिख जाएगा। फिर आपको डिफ़ॉल्ट गेटवे, ये चीज़ें आप यहाँ पर अकॉर्डिंग टू योर नेटवर्क जैसे मैंने पहले बताया वो आप कर सकते हैं। ये पोर्ट नंबर 5005 ही होगा, जैसे यहाँ लिखा है 5005। फिर उसके बाद यहाँ पर आएंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें, ये सर्वर सेटिंग। सर्वर सेटिंग में आपको वो IP आपको डालना पड़ेगा जो जिस आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप में आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होना है। जैसा कि यहाँ पे DHCP नो देख रहे हैं आप, ये चीज़ें ये देखिए DHCP नो है। ये जब तक नो है तभी ये आपको सर्वर IP दिखेगा, अदरवाइज ये IP आपको नहीं दिखेगा। सो अगर यस है तो इसको नो कीजिएगा। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा ओके का ऑप्शन, यहाँ पे यस और नो का ऑप्शन दोनों आ रहा है। ठीक है, तो सर्वर IP में जाएंगे, जो भी आपका IP है। ठीक है, ये चीज़ें तीनों आपको चारों ऑप्शन है, ये आप अकॉर्डिंग टू योर नेटवर्क, जो आपका अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम लैपटॉप या डेस्कटॉप उसके अनुसार आप यहाँ पे IP आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको सर्वर पोर्ट आपका यहाँ पर 7575 ही रहेगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, फिर आपको लैन पोर्ट लगाना है और सिस्टम पे चले जाना है, फिर वहाँ से आपको सिस्टम ऑनलाइन आएगा। ओके, थैंक यू। अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।